दोस्तों एक समय की बात है जब एक लड़का होता है वो अपने गुरुदेव के पास जाता है और वो कहता है कि हे गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया मुझे कुछ ऐसी चीज दे दीजिए जिससे मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं, अपने माँ बाप का सपना साकार कर सकूं, अपने माँ बाप को देश विदेश की यात्रा करा सकूं। वो लड़का वो सब चीज चाहता था जो हर इंसान का एक ख्वाब होता है, वो सारी चीजें वो मांग रहा था। वो लड़का अपने गुरुदेव से कहता है कि हे गुरुदेव, मुझे कुछ ऐसी चीज दे दीजिए जिससे मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। फिर वह पूछता है अपने गुरुदेव से कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे मैं अपने सारे सपने को पूरा कर सकता हूँ। वो जो गुरुदेव होते हैं वो उसे एक ऐसी जगह पे ले गए जहाँ पे बहुत छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। गुरुदेव उस लड़के से कहते हैं कि इतने सारे पत्थरों में से एक पत्थर ऐसा छुपा हुआ है जो किसी भी चीज पे रखने से उसे सोने में बदल सकता है। तुम्हारे आसपास के सारे पत्थर ठंडे होंगे, लेकिन जिस पत्थर की बात मैं कर रहा हूँ वही सिर्फ गर्म होगा। ऐसा कहके गुरुजी वहां से चले जाते हैं और वो लड़का जुट जाता है उस पत्थर को ढूंढने में। वो एक एक करके सारे पत्थरों को देखता है अपने हाथ में पकड़ के। जो भी पत्थर उसके काम का नहीं होता है, पास में बह रही नदी में वह पत्थर को फेंकता जा रहा था ताकि बार बार वो पत्थर जो चेक कर चुका है वही फिर से उसके हाथ में ना आ जाए। और ऐसा करते करते 4 से 5 घंटे बीत जाते हैं और ऐसे ही देखते देखते पूरा दिन बीत जाता है। एक दिन तक वह लगातार बिना कुछ खाए पिए पत्थरों को ढूंढता रहा और लड़के में इतना ज्यादा जोश था कि वो बिना थके 2 दिनों तक लगातार पत्थर ढूंढता रहा। और ऐसे ही देखते देखते 2 दिन हो गए, 1 हफ्ते हो गए, 1 महीने हो गए। वह हर सुबह से पत्थर को खोजना स्टार्ट करता और पूरी रात खोजता रहता, लेकिन उसके हाथ में नाकामी हाथ लगती थी। 2 महीने बीत जाते हैं लेकिन उसके हाथ में कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वह लड़का बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है और जैसे पहले वो काम करके अपने पत्थरों को चेक करता था, फेंकता था, वैसे चेक नहीं कर रहा था। वो अपने हाथ में पत्थरों को उठाता और ऐसे ही फेंक देता। उसको लगता था कि पत्थर बेकार है, अब अच्छे से वो चेक ही नहीं कर रहा था जैसे पहले करता था। और अब ये चीज उसकी आदत बन चुकी थी कि पत्थरों को सिंपली उठाना और पानी में फेंक देना बिना अच्छे से चेक किए। लेकिन फिर अचानक से कुछ दिनों बाद वो जैसे ये काम कर रहा था उसके हाथ में वो पत्थर आ जाता है जिसके बारे में वह गुरुजी बात कर रहे थे। लेकिन पत्थर को उठा के नदी में फेंकने की जो उसकी आदत बन चुकी थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। वो पत्थरों को उठाता फेंकता जाता जिसकी वजह से वो चेक ही नहीं कर पा रहा था कि पत्थर गर्म है या ठंडा है। और इसी आदत के चलते वह गर्म पत्थर को भी उठा के पानी में फेंक देता है, ठंडा पत्थर समझ के। और अब उस पत्थर को ढूंढ पाना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया था क्योंकि पत्थर पानी के बीच में उन सारे पत्थरों से मिल गया था जो ऑलरेडी पहले से फेंक रखा था पानी में। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने हर दिन को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तभी हमें यह नहीं समझना चाहिए कि आज का दिन तो ऐसे नॉर्मल जा रहा है, आज के दिन तो हमें ऐसे ही बेकार काम करना है। क्योंकि दोस्तों जब आप अपने दिन को, जब आप अपने समय को हल्के में लेने लगते हैं तभी आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है। हो सकता है आप अपनी आदत के चलते उस अपॉर्चुनिटी को गवा दें। और जब हमें यह रियलाइज होता है कि हमारे पास मौका आया था तो शायद बहुत देर हो चुकी होती है। तो हर दिन से आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मेरा दिन बेकार है, करने को बहुत कुछ है। अगर स्टोरी से कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं तो नीचे जो फॉलो का बटन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। और वहीं पे अगर आप हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।